हे हिमालयंस, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अपने नोकिया सब्सक्राइबर्स के लिए मैं हमेशा से कोई ना कोई वीडियोस लेकर आने की प्लानिंग करता ही रहता हूं और आप सभी की भी मुझसे यही होप रहती है कि भाई जो नोकिया के लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में हिमालयन गैजेट्स भाई कुछ वीडियो लेकर आए। तो अभी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे पास निकल कर आई हुई है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिस्ट हमारे पास आ गई है और इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ऐसे स्मार्टफोन्स होने वाले हैं जिनके लिए ऑफिशियली अब नोकिया के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। खैर, इसी के साथ इस वीडियो में हम एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग वीडियो भाई होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। वीडियो को लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये जो लिस्ट निकल कर आई है जिसमें कि बताया गया है कि नोकिया के ये स्मार्टफोन्स होंगे जिनका ऑफिशियली अप्रैल में जो सपोर्ट है वो एंड होने वाला है। सबसे पहला स्मार्टफोन हमारा है नोकिया का नोकिया 1 और फाइनली 3 साल जो है इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए अप्रैल में हो जाएंगे तो जो इसका सपोर्ट है वो नोकिया ने बिल्कुल एंड कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है नोकिया का 6.1 के लिए भी जो सपोर्ट है वो अभी एंड होने वाला है। और हमारा जो तीसरा स्मार्टफोन है वो है नोकिया 7 प्लस। तो ये 3 स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनके लिए अप्रैल के लिए जो सपोर्ट है वो एंड होने वाला है। और भी बहुत ज़्यादा लिस्ट जो है 2021 के निकल कर आई है। बाकी जो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं जिनका सपोर्ट हमें नेक्स्ट मंथ में आने वाले में एंड मिलेगा तो उसके बारे में हम उन मंथ में बात कर लेंगे। तो यहाँ ये जो फाइनली लिस्ट है तो ये सभी स्मार्टफोन्स अब नो मोर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब हम फाइनली बात करें एंड्रॉयड 11 के बारे में। देखिए भाई, एंड्रॉयड 11 के बारे में मैंने नोकिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी करंटली बना दी हुई हैं और नोकिया के मोर देन 11 और 12 जो स्मार्टफोन्स हैं अब एंड्रॉयड 11 के लिए एलिजिबल हो गए हैं Q2 के लिए। देखिए ये लिस्ट आप यहाँ पर देखिए और इस लिस्ट को जो है आप पहले तो काफ़ी अच्छी तरह से समझिए। नोकिया ने Q4 से लेकर Q1 के लिए यहाँ पर ऐसे स्मार्टफोन्स रखे हुए थे जो कि आई थिंक कि 2 से 3 स्मार्टफोन्स थे तो उनके लिए अपडेट आने वाला था। लेकिन Q4 से लेकर Q1 के बीच इनमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। इनमें से एक स्मार्टफोन्स को अपडेट मिला 8.3, लेकिन वो इंडिया में लॉन्च हुआ ही नहीं था तो हमें उससे बात करते मतलब नहीं है। इसके बाद जो हमारे 4 और स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं, आई थिंक कि 5 ये स्मार्टफोन्स हैं। तो ये स्मार्टफोन्स जो हैं Q1 से लेकर Q2 के लिए यहाँ पर डिसाइड किए गए थे। इसी तरह प्रॉपरली Q1 के लिए भी कुछ स्मार्टफोन्स थे जो डिसाइड हुए थे और अब Q2 भाई स्टार्ट हो गया है और नोकिया के पास 12 स्मार्टफोन्स ऐसे हो गए हैं जिनको जो अपडेट्स हैं वो अभी देने होंगे। हालांकि 3.2 के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो तो आ गया है जो कि एंड्रॉयड 11 का है, लेकिन अभी जो काम नोकिया ने पिछले 6 महीने में नहीं किया वो काम अब नोकिया को इन 3 महीनों में करने होगा। तो अब मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने से बिल्कुल नोकिया के जो एंड्रॉयड 11 है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। बहुत जल्दी जल्दी आपको नोकिया के स्मार्टफोन्स में जो एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स हैं वो मिलने वाले हैं। भाई मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का कारण क्या था, लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हुई हैं कि जो नोकिया के CEO हैं जूहो सर्विकास, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था नोकिया कंपनी से। तो वही एक कारण हो सकता है कि नोकिया की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बिल्कुल बिगड़ गई थी और उनको भी लगा होगा कि भाई हाँ, मैं इस कंपनी में हूँ और मैं अच्छी तरह से कंपनी को हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने नोकिया कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। अब जो न्यू CEO वगैरह MD वगैरह आएंगे उनके, तो उनके जो स्ट्रेटजीज होंगी वो अलग होने वाली हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब जो नोकिया का न्यू स्टार्टअप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और अप्रैल मंथ से जो नोकिया के स्मार्टफोन्स हैं उनमें हमें अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो नोकिया के 2.2, 8.1 और 5.3 वगैरह ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और मुझे भी इन सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं। तो आप वेट कीजिए, सबसे पहले आपके ही स्मार्टफोन्स होंगे जिनको अप्रैल के महीने में ये अपडेट मिलने से स्टार्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों बस यही थी एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़। मुझे लगा कि नोकिया फैंस के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए तो एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर इस तरह की आपको और भी खबरें चाहिए तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है
हैशटैग आस्क है जी आप यूज कर सकते हैं, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, वहां पर जाकर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट पर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।